changes, changes, changes. Baby, I see it. You been talking all this bullshit, bullshit, bullshit. Darling, I hear it. I ain't falling for your changes, changes, changes. Baby, I see it. You've been talking all this bullshit. तो आज आ गए हैं हम नवाबों के शहर लखनऊ में। कॉलेज के बाद 4 साल बाद आए हैं शायद लखनऊ में। और आज लखनऊ में आने के बाद हमारे मित्र अनमोल भाई साहब मिले हैं, और ये राहुल मित्रा तो जानते हो हर जगह मिल जाते हैं। तो आज आए हैं, और ये है राम मनोहर लोहिया पार्क में हम लोग घूम रहे हैं। हमने कहाँ मिले रूम में सारे, ये देखो सामने ये नज़ारे हैं। तो आज आए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में, घूम रहे हैं हमारा आज पहला दिन है। देख सकते हैं हर हर जगह पे, हर एरिया में, एक छोटे छोटे पार्ट में उन्होंने हर एक प्रकार का लगा, अलग अलग टाइप का लगाए उन्होंने। और ये यहाँ बहुत ही खूबसूरत बनाया है। लेकिन आप अगर इसे वो बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया से आए हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप बैठ के एक घंटे बिता लो ना, फिर लगेगा कि यार सारा जिंदगी तो यहीं पर है, जन्नत तो सारा कुछ यहीं पर है। घूम घूम के थक गए हैं, बहुत सारा भूख लगा हुआ है। तो पहले तो हम जा रहे हैं कुछ, यहाँ पे एक कैंटीन दिखी है पार्क के अंदर ही, तो पहले तो हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ खाने के लिए। वहाँ से कुछ खा के फिर निकलेंगे, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो भी वो खाते हैं खाने के बाद दिख रहे हैं तो ये आए हैं ये अनमोल भाई साहब और ये राहुल मित्रा। पता नहीं क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या लेंगे इनको पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या खाना है। इनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या खा रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं? चाउमीन खाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये लोगों ने चाउमीन डिसाइड किया खाने के लिए। बाकी मेरी इच्छा कोई बिल्कुल नहीं है कि चाउमीन खाऊंगा, मेरे लिए एक समोसा ले लो। समोसा नहीं है, समोसा वहाँ पे चला जाए। देखिए हम लोग वहाँ से कुछ खा पी के निकले हैं वहाँ से अभी,
सही कुछ खाने को मिला नहीं एक्चुअली, तो चाय पी के निकले हैं। तो ये हमारे भाई साहब ने टोपा पहना दिया हमको और यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं अभी। अब बाहर ही कुछ खाएंगे जो भी कुछ मिलता है, यहाँ भी कुछ मिला नहीं, बस चाय ही चाय था। यहाँ पे थोड़ा सा मछली पालन का व्यवस्था किया गया है, काफ़ी कलरफुल मछलियाँ हैं जो कि आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे से दिख रहे हैं। रियर कैमरे से आपको ये अच्छे से दिखेगा तो वो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हैं, हमने राउंड करके यहाँ जाना पड़ेगा फोर पे भी। चलो काफी मस्ती की है, आप बताइए सेल्फी ले रहे हैं? अरे बिल्कुल फाइनली हम अपने गेट नंबर 4 के पास पहुंचने वाले हैं, वहीं पे बाइक खड़ी है, वहां से बाइक लेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। भैया भूख बहुत तेज़ों से लग चुकी है क्योंकि वहां पे कुछ मिला नहीं, चाय पिए और चाय पीने के बाद सोचा कि हमने को थोड़ा सा बचा हुआ पार्क उसको भी घूम लेते हैं, लेकिन पार्क इतना बड़ा कि घूमते घूमते 1.5 घंटे निकल गए और तो भूख की तड़प जो है और तेज़ से बढ़ गई अभी तो। लेकिन निकल रहे हैं यहाँ से, निकलते ही पहले गेट पर बहुत सारे ठेले वाले होंगे, पहले तो वहाँ से हम लोग कुछ खाएँगे और फिर खाने के बाद देखते हैं कि क्या करना है, जैसा समझ में आएगा वैसा करेंगे। बाकी तो प्लानिंग यही है कि थोड़ा सा कुछ और, एक पार्क है यहाँ पे इंटरनेशनल पार्क जनेश्वर मिश्र, तो कोशिश यही है कि पहले वहाँ जाएंगे। बाकी टाइम जैसा होता है क्योंकि ठंडी का मौसम है और ज़्यादा लेट होने के बाद ठंडी बहुत तेज़ लगती है बाइक पर, वो भी वाप रहे, तो इस वजह से देखते हैं क्या करना है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, खाने के बाद सोचना है कि क्या करना है। तो पहले यहाँ से निकलना है और निकलने के बाद कुछ खाते हैं।